हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले चार पांच वीडियो मैंने अपलोड किए थे जिसमें मैंने कुछ आरटीआई के रिप्लाईज आपको दिखाए थे। अक्सर उन आरटीआई के रिप्लाई पे बाकी जोन वालों के कमेंट रहते हैं कि सर हमारे जोन का भी आरटीआई लगाओ और उसमें पता करो कि अटेंडेंस कितना है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको सभी 16 आरआरसी यानी कि सभी जोन का जो डाटा है ना वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखो, 10-11 जोन के जो आरटीआई के रिप्लाई है वो हमारे पास आए हैं। कुछ जोन में आपका जो रिप्लाई है उसमें डाटा दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता है, लेकिन जितने आरटीआई डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बाकी जोन का मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया है। सभी 16 जोन को मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन और अटेंडेंस परसेंटेज के हिसाब से पूरा डाटा मैंने प्रिपेयर कर लिया है, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, जिस जोन से आरटीआई लगा था उनको तो एग्जैक्ट डाटा मिल गया है, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 40-45% से ऊपर अटेंडेंस नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना। मैक्सिमम भी अगर लेते हैं तो 45% ले सकते हैं, बाकी 40%, 38%, 35% इतना ही आपका अटेंडेंस का परसेंटेज रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी 16 जोन का जो डाटा है वो दिखाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ग्रुप डी या फिर रेलवे से जुड़े पल पल के ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर में आने वाली एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो अभी से मैथमेटिक्स और रीजनिंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डे बाय डे आपका जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है। यहाँ पर दो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, किरण पब्लिकेशन की, ये वाली मैथमेटिक्स की बुक है और ये वाली रीजनिंग की बुक है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल और टिपिकल लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, कॉन्स्टेबल है, लोको पायलट है, सभी के क्वेश्चन आपको इन मात्र दो बुक में मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स के। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप फ्यूचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो इनसे अभी आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बुक आपके आसपास बुक स्टॉल पर इजीली अवेलेबल रहती है, बाकी आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस आते अपने टॉपिक पर, डाटा आप लोगों के सामने है, पूरा डाटा मैंने प्रिपेयर किया है। जहां पर मुझे आरटीआई का रिप्लाई मिला था वो आरटीआई के हिसाब से, बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन से सारा जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो निकाला है। यहां पर मैं आपको बता दूं, किसी भी जोन का जो मैंने अटेंडेंस परसेंटेज लिया है वो 45% से ज्यादा नहीं लिया है, 42-45 या फिर जो है 38-40% के अराउंड ही मैंने लिया है। स्टार्ट करते हैं दिल्ली जोन से। दिल्ली का तो आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आ गया था, दिल्ली रीजन का, तो आपको पता लगा था कि 34% अटेंडेंस वहां पे रहा था। तो देखो, 22 लाख फॉर्म जो है दिल्ली से भरे गए थे। यहां पर मैंने डाटा ऊपर फॉर्म का है, इधर अटेंडेंस का है और इधर वैकेंसी का है। 13,153 वैकेंसी है दिल्ली में, यानी कि अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7,48,000 स्टूडेंट ने यहां पर पेपर दिया है। और मैं आपको बता दूं, सभी 16 जोन में से सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट प्रेजेंट है ना, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया है वो दिल्ली जोन से ही दिया है। हालांकि वैकेंसी भी यहां पर सबसे ज्यादा है, 13,000, इतनी वैकेंसी कहीं पर भी नहीं है। दूसरा बात करते हैं मुंबई वेस्टर्न रेलवे की, तो लगभग फॉर्म जो है 8,00,000 भरे गए थे। देखो, इधर वाला जो डाटा है ना ये फॉर्म का, ये कुछ इस तरीके था, 8.2, 8.3 या 7.3 मैंने अप्रॉक्स में लिया, ताकि आपको एग्जैक्ट फिगर में चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये 8,00,000 के समथिंग था, मैंने अप्रॉक्स में 8,00,000 लिया है, तो सारी चीजें मैंने बिल्कुल राउंड ऑफ करके ले रखी है। तो मुंबई वेस्टर्न रेलवे में 8,00,000 फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस परसेंटेज देखा जाए तो 3,20,000 स्टूडेंट यहां पर अप्रॉक्स प्रेजेंट रहे थे। वैकेंसी यहां पर 10,734 है। मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो 7,00,000 फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस यहां पर 2,80,000 निकलता है, यानी कि 2,80,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया है 7,00,000 बच्चों में से, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 9,345। बात करते हैं यहां पर हुबली की, हुबली में लगभग 6,00,000 फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस यहां पर 2,40,000 रहा है। उसके बाद वैकेंसी अगर देखें, 7,167 यहां पर वैकेंसी है। सिकंदराबाद का देखा जाए तो 8,00,000 यहां पर फॉर्म भरे गए थे अप्रॉक्स में। और उसके बाद अगर अटेंडेंस देखा जाए तो सिकंदराबाद का हमारे पास डाटा आ गया था, 30% अटेंडेंस इन्होंने बताई थी। और देखो, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो आरटीआई रिप्लाईज जिन थंबनेल पर लिखा है वो जाकर आप आरटीआई रिप्लाई भी देख सकते हैं। तो 2,40,000 बच्चों ने यहां पर पेपर दिया है। सिकंदराबाद में अगर देखा जाए ना, तो यहां पर जो वैकेंसी है वो भी ठीक ठाक है, 9,328 वैकेंसी है, 2,40,000 बच्चों ने पेपर दिया। इस बार यहां की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। बिलासपुर की बात करूं तो 2,00,000 के करीब यहां पर फॉर्म भरे गए थे, 64,000 के अराउंड यहां पर जो है वैकेंसी के ऊपर अटेंडेंस रही है। इसका आरटीआई रिप्लाई भी हमारे पास आ गया था, आई थिंक इसमें जो है 38% अटेंडेंस रहा था, वो आरटीआई रिप्लाई आप देख लेना। और वैकेंसी यहां पर भी बहुत कम है, 1,464 मात्र वैकेंसी है। इलाहाबाद की बात करते हैं तो 8,00,000 यहां पर जो है फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए 3,36,000 स्टूडेंट यहां पर अप्रॉक्स में प्रेजेंट रहे होंगे और वैकेंसी है 4,730, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की, तो देखो अजमेर में जो है लगभग 8,00,000 फॉर्म भरे गए थे, 3,36,000 के करीब अटेंडेंस निकलता है, 5,249 यहां पर सीट है। तो यहां पर भी कॉम्पिटिशन ज्यादा टफ नहीं रह सकता, लेकिन क्वालिटी कैंडिडेट्स यहां पर पाए जाते हैं। गुवाहाटी की बात करूं तो 2,00,000 के करीब यहां पर फॉर्म
भरे गए थे, 80,000 अप्रॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट रहे होंगे, 2894 यहाँ पर पोस्ट हैं। चेन्नई साउदर्न रेलवे की अगर बात करता हूँ, 8,00,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे, 3,04,000 के करीब यहाँ पर बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। यहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकता है, हालांकि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, 9,580 के करीब यहाँ पर वैकेंसी है। कोलकाता SCR की बात करता हूँ यहाँ पर, तो 4,00,000 के करीब फॉर्म भरे गए हैं, 1,44,000 के करीब अटेंडेंस है और 4,914 यहाँ पर सीट्स हैं। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की बात करूँ तो देखो, दिल्ली जोन के बाद सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए थे वो कोलकाता ईस्टर्न रेलवे में भरे गए थे, 10,00,000 के अराउंड यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, 3,60,000 के करीब अटेंडेंस और 10,873 यहाँ पर वैकेंसी है। देखा जाए तो वैकेंसी भी काफ़ी है, फॉर्म भी काफ़ी भरे गए थे, अटेंडेंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। हाजीपुर की बात करता हूँ तो 5,00,000 यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, 2,85,000 के करीब अटेंडेंस रहा होगा जिस तरह से सारी चीज़ों को एनालाइज किया है, और 3,563 यहाँ पर सीट्स हैं। भुवनेश्वर की बात करूँ, 3,00,000 फॉर्म भरे गए थे, 1,20,000 के करीब अटेंडेंस रहा है और 2,555 यहाँ पर सीट्स हैं। जबलपुर की बात करता हूँ तो 5,00,000 के करीब यहाँ पर फॉर्म भरे गए, 2,00,000 के करीब अटेंडेंस और 4,019 यहाँ पर सीट्स हैं। और लास्ट हमारा है गोरखपुर, गोरखपुर में लगभग 5,00,000 फॉर्म भरे गए हैं और आपकी जो अटेंडेंस रही है 2,00,000 के करीब स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहे होंगे और 4,000 करीब यहाँ पर आपकी सीट्स हैं। ये पूरा डाटा मैंने आपको जो है बना के दिया है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ, इसमें जितने भी हमारे पास RTI के रिप्लाई आए थे, 5-6 जोन ने एक्जैक्ट डाटा दिया था, उसके अकॉर्डिंग बाकी जोन का मैंने प्रिडिक्शन किया है क्योंकि बाकी जोन ने डाटा नहीं दिया था। लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 45 से ऊपर अटेंडेंस नहीं गया, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ों को एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग मैंने अटेंडेंस सारा आपको बता दिया है। फिर से एक बार मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप अपने जोन का इसमें देख सकते हैं, मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, अजमेर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, हाजीपुर, भुवनेश्वर, जबलपुर, गोरखपुर, ठीक है, ये पूरा डाटा है। बाकी आपके इस बारे में क्या राय, क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्यूचर मेरे पास कोई RTI का रिप्लाई आता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।